ना उनको अपने होटल में मुर्गा भात खिलाना है खिलाइए, दूसरा कोई असर करने वाला नहीं है। विकास के कार्य हुआ है डेहरी में, गाँव में 80% लोग विधायक जी को देखे भी नहीं है। कैमरा लग घुमा के देखिए, सब दिखाई देगा कि विकास कहाँ है, हमको तो नहीं। जनता से मिलने आते हैं सर, पहले पोस्टर अब देखे थे, उसके बाद अब एक साल बाद दोबारा पोस्टर भी उनको, वादों पर खड़े उतरे हैं स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह। क्या उनको पता चले कि हमारे जात के कितने लोग डेहरी विधानसभा। फतेह बहादुर सिंह फिर आ रहे हैं चुनावी मैदान में, तो स्थानीय जनता कितना सपोर्ट, कितना होगा कि वो कहीं, हमको नहीं लगता कहीं वोट मांगने भी जाएंगे, वो अपने पैसे का इस्तेमाल हो चुके हैं। एक साल बाद चुनाव है, क्या चाहेगी डेहरी की जनता। देखिए बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, 4 साल हो चुके हैं, हम लगातार ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय विधायक के द्वारा कितना विकास के कार्य किए गए हैं, कितने वादों को पूरा किया गया है। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी या डेहरी विधानसभा के अंतर्गत अकोढ़ी गोला में है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा जो वादे किए गए थे वो पूरा किया गया है कि नहीं, और कितना विकास के कार्य हुए हैं, क्या कहेंगे, कितना विकास का कार्य हुआ है डेहरी विधानसभा में 4 सालों में। देखिए डेहरी विधानसभा में 4 सालों में जो विकास का काम हुआ है वो बस कागज पे ही हुआ है, जमीन पे तो देख ही रहे हैं, जितना भी रोज कमाने वाला आदमी उनका सब घर द्वार दुकान उकान सब टूट गया। रहा बात विधायक जी का, तो मुझे नहीं लगता है कि विधायक जी कभी अपने घर से बाहर निकल के कभी लोगों के समस्याओं को सुनने का वो प्रयास किए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने लोग हैं उनसे पूछिएगा, तो मुझे नहीं लगता 100 में 80% लोग विधायक जी को देखे भी नहीं है, अपने समस्याओं को सुनाने का तो बात ही अलग है। क्या कहेंगे जिस तरीके से वादे किए गए थे, कितना वादों पर खड़े उतरे हैं विधायक जी। वादा देखिए, चुनाव में आपको पहले भी हम बता चुके थे कि जो वादे होते हैं वो एक चुनावी लॉलीपॉप होते हैं। किसान के पास जाएंगे किसान की भाषा बोलेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे दुकानदार की भाषा बोलेंगे, लेकिन जनता करे तो क्या करे, वोटिंग तो करना है। लेकिन जब आपको आप पे हमने भरोसा जताया तो आपको उस भरोसा पे खरा उतरना चाहिए, लेकिन पिछले 4 सालों में मुझे लगता है कि वो भरोसा मात्र कागज पर ही है, विकास का काम कुछ नहीं है। विकास जब होता है तो कुछ बना हुआ दिखता है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हैं, एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ नहीं, सारा टूटा हुआ दिख रहा है। आपने लगातार जिक्र कर रहे हैं कि दुकान टूट रहा है, कैसे आखिर दुकान टूट रहा है, क्यों। इसलिए कि ये अतिक्रमण का जो काम है वो हमारे सीओ साहिबा जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अतिक्रमण होना भी चाहिए, सरकार को अगर जरूरत है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कहने का मतलब है कि आपने नोटिस दिया, नोटिस में आपने लिखा कि आप अपने दरवाजे जो हैं या अपने घर से जो छज्जा को तोड़ दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, कराकट को हटा लीजिए। लोगों ने वो काम किया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बिना उसको अमीन को बुलाए आपने बिना नापी किए पूरे घर पे बुलडोजर चला दिए। देखिए वहाँ पे हमारे एक दुकानदार भाई हैं, उनका सीढ़ी टूट गया, किसी का घर टूट गया सीढ़ी, लेकिन आप देखिए आप तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं तो जितना जल्दी से आप तोड़ने का काम कर रहे हैं उतना जल्दी सड़क निर्माण का भी काम आप शुरू कीजिए। क्या कहिएगा, 4 साल हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के, कितना विकास के कार्य हुआ है डेहरी में। अब कैमरा लग घुमा के देखिए, सब दिखाई देगा कि विकास कहाँ है, हमको तो नहीं लगता भाई साहब। आप पे हुआ है स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कितना विकास का कार्य किया है डेहरी विधान। हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ, तो इस बार डेहरी की जनता क्या चाहेगी, बदलाव चाहेगी। विकास के मुद्दा था, वो विकास दिखा कर नहीं हो रहा है तो हटे, दूसरे को लाया जाए। लोगों ने भरोसा जताया था, कितना भरोसा वादे पर खड़े उतरे हैं। हम तो देखिए अगर पर्सनली पूछा जाए तो हमारे हिसाब से तो भैया कुछ संभव नहीं है। अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ अतिक्रमण का चल रहा है, हम पूछते हैं कि अतिक्रमण होना चाहिए, जो भी हुआ है उसको साफ सफाई किया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग पहले से यहाँ पर लगे हुए रोजी रोजगार चला रहे हैं, छोटा छोटा परिवार है उन लोगों का, उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे उनका परिवार चलेगा, आखिर वो भी तो इंसान है, भूख किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, सबको रोजी चाहिए, पेट भरा होगा तो कहीं रह लेगा। या डेहरी विधानसभा में कितना विकास हुआ है 4 सालों में, क्या लग रहा है। ये सबसे पहले फतेह बहादुर सिंह जी का जो बात है, वो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था ना, तो उसी समय उनको पोस्टर में उनका फोटो देखे हैं, उसके बाद उनको हम कभी देखे नहीं है। क्षेत्र में घूमते हैं, क्षेत्र में कहाँ घूमते हैं, घूमते तो हम देखते नहीं, बताइए। विकास का कार्य कितना हुआ है डेहरी। विकास का है, विकास कुछ नहीं हुआ, विकास केवल नाम पर विकास है, विकास विकास आदमी विकास की चर्चा करता है लेकिन विकास कुछ नहीं होता है। 4 साल हो चुके हैं, 1 साल बाद चुनाव है, क्या चाहेगी डेहरी की जनता। वही ना बोले कि 4 साल पहले पोस्टर अब देखे थे, उसके बाद अब 1 साल बाद दोबारा पोस्टर भी उनको देखेंगे हम दोबारा। क्या कहेंगे भैया, डेहरी विधानसभा में कितना विकास का कार्य होते हुए नजर आया है, 4 साल हो चुके हैं। आप तो देख रहे हैं, सामने कैमरा घुमा के देख लीजिए, आपको कितना विकास का दृश्य दिख जाएगा, कितना विकास हुआ है। कितने वादों पर खड़े उतरे हैं स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह। कुछ नहीं निकले, कुछ नहीं खड़े उतरे हैं,
सब तो और गरीब आदमी को सब दुकान उकान जितना है सब तोड़वा दिए। अच्छा, उसका व्यवस्था करना कराना चाहिए ना, कम से कम आके वहाँ देखना चाहिए। कभी आए हैं क्षेत्र में? नहीं, हम तो देखे नहीं है। देखो नहीं किया ना, हम बाहर में रहते हैं, इधर आए हैं तो हम उनको कभी नहीं देखे हैं, खाली पोस्टर में एक बार देखे थे बस। पोस्टरे में देखे? बस बस पोस्टर में। हकीकत क्या, हमेशा आप लोग मार्केट मार्केट में कभी आए हैं घूमे? आते आते तो देखते नहीं हम लोग, बताइए। घूमे जरूर हैं, घूमते हैं, लेकिन कभी भी गाड़ी से नीचे उतरे नहीं है। अब पता नहीं चला कि ब्लैक शीशा में आए और निकल गए। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप विधायक हैं, आपको जो वोट दिया वो भी, जो वोट नहीं दिया वो भी, आप सबके विधायक हैं। आप मोदी जी को सबको वोट नहीं दिया है, लेकिन सबके प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे स्थानीय विधायक थे, आप जो ये क्या आप सीओ से मिलकर के ये बात नहीं कर सकते थे कि हाँ सीओ साहिबा आपने वेंडर जोन का निर्माण किया कि नहीं किया? अचानक आप बिना नापे बिना वो किए एक अमीन को ले लिए और घूमते चले गए, दरवाजे दरवाजे पूरा घर दरवाजा ये सब तोड़ते गए। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका व्यवस्था भी तेजस्वी यादव ब्यौरा मांग रहे हैं। मांगेंगे ना, चूंकि उनको पता चले कि अभी तेजस्वी यादव को ये भी समझ में आना चाहिए इस बार कितने लोग। देखिए बिहार की राजनीति जाति और जाति व्यवस्था पे ही टिकी हुई है, जाति और धर्म पे जाति व्यवस्था भी टिकी हुई है। अब बताइए तेजस्वी जी या जो भी जातीय जनगणना जो हो रही थी उसमें सभी लोगों ने उसका कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ आखिर जातीय जनगणना किस लिए हो रही थी? ताकि जो नेता है उनको पता चले कि हमारे जात के कितने लोग डेहरी विधानसभा में हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी टिकट उनको मिल जाएगी। और आप जन्मे करते हैं बिहार के जनता को, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको उनको विकास से कोई मतलब नहीं। अगर विकास से मतलब होता तो हमारा हाल भी जानते हैं, हमारा हाल भी जो है ना वो क्या बोलते हैं वसुंधरा राजे राजस्थान के जैसा होता, 5 साल में सरकार चेंज। अच्छा एक बात और बताइए, जिस तरीके से कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हुए, कितना असर देगा इस विधानसभा के चुनाव में? मुझे लगता है कि उसका असर इतना होगा कि वो कहीं, हमको नहीं लगता है कहीं वोट मांगने भी जाएंगे, वो अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे, वो अपने पैसे के बल पर टिकट मांगेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं तो यहाँ कहीं वो वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। रह गई बात जितना उनको अपने होटल में मुर्गा भात खिलाना है खिलाइए, दूसरा कोई असर करने वाला नहीं है यहाँ पे। रहा बात देवी देवताओं का, आस्था के साथ किसी का खिलवाड़ नहीं है। जब उनको इतना था उनको अपने आस्था के साथ, तो जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं अभी उसके बारे में क्यों नहीं बोले? होटल में फोटो लगाए कि नहीं देख सकते हैं क्या कहेंगे? जिस तरीके से स्थानीय विधायक कुछ दिन पहले देवी देवताओं पर टिप्पणी का वीडियो वायरल हुआ था, क्या कहेंगे विधानसभा के चुनाव में कितना असर देगा? बहुत ज्यादा असर होगा। हमको तो लगता है भाई साहब कि इस बार उनका पता साफ होके ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम या आप कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो या किसी मजहब को मानते हो, उसको चोट ना पहुंचाए। आप नहीं मानते अच्छी बात है, टिप्पणी ना कीजिए, उससे किसी की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदुओं को कितना ठेस पहुंचता है? बहुत ज्यादा, इसलिए कि हमारा जो क्षेत्र वो हिंदू बहुल इलाका है ना। जैसे कि वो बोले थे दुर्गा माँ के बारे में, बोलते कौन सा युद्ध लड़ने जाती थी बोले थे, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि उनके बाप दादा ने कौन सा चुनाव लड़ा था? नेता कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। जिस तरह से आस्था पे वो वार कर रहे हैं, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि उनके घर में कितने प्रधानमंत्री हुए थे, उनके घर में कितने मुख्यमंत्री हुए थे? कुछ नहीं। उनके पास पद है पैसा है, और पद पैसा। अच्छा ये बताइए लंका दहन जो आपके सामने एक उदाहरण है, जब वो नहीं रहा तो ये रह के क्या करेंगे यहाँ पे? देख सकते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से स्थानीय विधायक लगातार कुछ दिन पहले देवी देवताओं पर टिप्पणी करके वायरल हुए थे, आप उनके होटल में जाइए और देखिए सबसे पहले कि उनके होटल में कहीं देवी देवता का फोटो लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। आपको क्या लगता है, नहीं लगाया गया होगा? आपको क्या लगता है लगाया गया होगा नहीं लगाया गया? असर कितना होगा विधानसभा? छोड़िए ना, पैसा के बल पर टिकट लेने से उसको विधानसभा में कभी बोलते हुए देखे हैं उनको? टिकट अगर मिल जाएगा तो स्थानीय जनता कितना सपोर्ट करेगी? मिलने से आरजेडी का ऐसे भी पतन हो रहा है, ठीक है, आरजेडी का ऐसे भी पतन हो रहा है अब, और टिकट मिलने से कोई विधायक अबकी बार विधायक नहीं बनने वाले हैं। ये फतेह बहादुर सिंह फिर आ रहे हैं चुनावी मैदान में, तो स्थानीय जनता कितना सपोर्ट करेगी? अरे भैया हम ही नहीं देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से हमारी मौजूदगी अभी डेहरी विधानसभा के अंतर्गत अकोढ़ी गोला में है, और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां को लेकर लगातार सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, और हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय विधायक के द्वारा कितना विकास के कार्य किए गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया है कि नहीं। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।